क्या आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम किया है और आपको डिपार्टमेंट से या रिफंड बैंकर से रिफंड फेलियर का मैसेज आया है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स प्रोफाइल में लॉगिन करना है। लॉगिन करके सर्विसेज टैब में जाके आपको रिफंड रीइश्यू पे क्लिक करना है। रिफंड रीइश्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट रेज करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक्नॉलेजमेंट नंबर ओपन होगा। आपको इस एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करना है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर उस असेसमेंट ईयर के लिए होगा जिस असेसमेंट ईयर के रिफंड का आपको इशू आ रहा है। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके सामने बैंक अकाउंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। याद रखिए, ये बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करने के बाद आपको इस बैंक अकाउंट की नॉर्मल ITR जैसे ई वेरीफाई होती है वैसे ई वेरीफिकेशन प्रोसेस करनी है। एक बार आपने ई वेरीफिकेशन प्रोसेस कर ली तो उसके बाद आपकी रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी। अगर आपके बैंक अकाउंट वैलिडेशन में कोई भी इश्यू या एरर नहीं है तो आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए साइनवेव को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।